सकल सृष्टि के करदाता कर वेलकम बैक टू चैनल। देखिए आपको लेके चलता हूँ एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में विश्वकर्मा पूजा का समारोह मनाया जा रहा है। आज के दिन ये वर्कर्स लोग ज़्यादातर छुट्टी रखते हैं और पूजा का ये करते हैं। और देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ वहाँ पे मनाया जा रहा है, वहाँ तक लेके चलता हूँ। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। ये बिल्डिंग टावर नंबर 1 है जहाँ पे पूजा हो रहा है। यहाँ पे देखिए T1 लिखा है, ऊपर में सभी लोग पूजा कर रहे हैं। टावर 1 है तो ऊपर तक लेके चलता हूँ, आप देख लीजिए। ये अंदर से जाने का रास्ता है, अभी फिनिशिंग वर्क नहीं हुआ है, निर्माणाधीन बिल्डिंग है तो ऐसा ही रहता है। ये देखिए सीढ़ियों से जा रहे हैं, लिफ्ट भी चालू था यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिफ्ट, लेकिन सीढ़ियों से जा रहे हैं। आगे दिखाता हूँ पूजा कैसे हो रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा पीछे वीडियो में कितना धूमधाम से आरती किया है, बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है विश्वकर्मा पूजा का त्यौहार। और विश्वकर्मा भगवान के बारे में बोला जाता है कि वो निर्माण के देवता है, स्ट्रक्चर जो हम लोग का काम है सिविल कंस्ट्रक्शन, उसके देवता विश्वकर्मा भगवान ही है, वही हमारे इष्ट आराध्य हैं, उनको मान करके ही लोग अपने काम में कार्य कुशलता के बारे में उनको मानते हैं
और विश्वकर्मा जी के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे कथाएं हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। ये पूरा वीडियो में तो नहीं बता सकता इतना, लेकिन कुछ ये बता रहा हूँ कि कुछ पौराणिक इतिहास में विवरण है ऐसा, कुछ मंदिर का निर्माण में विश्वकर्मा भगवान ने रातों रात उसे बना दिया था। और ऐसा एक रामायण में भी कहीं पर है कि जब लंका नगरी को हनुमान जी ने पूर्णतः जला दिया था, उस टाइम में भगवान विश्वकर्मा को बाई प्रेशर रावण ने मतलब फोर्स करके बनवा के लिया था, क्योंकि उस टाइम में रावण के कब्जे में देवी देवता थे, तो गलत ही किया था। लेकिन उनमें वो विश्वकर्मा भगवान में वो शक्ति थी कि रातों रात स्ट्रक्चर को पूरा फिनिशिंग के साथ में खड़ा कर दिया था। आज के डेट में तो विश्वकर्मा भगवान नहीं है, लेकिन ये जो वर्कर लोग जो पूजा कर रहे हैं इतना धूमधाम से, यही लोग हमारे लिए विश्वकर्मा हैं, क्योंकि यही लोग स्ट्रक्चर निर्माण में, फिनिशिंग का काम में, भवन निर्माण में, रोड निर्माण में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। अगर ये लोग वर्कर लोग नहीं हो, लेबर लोग नहीं हो, तो कोई नहीं हो सकता है। मशीनरी तो है, लेकिन सारा काम मशीनरी से नहीं हो सकता है, उसके साथ साथ में आदमी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आज के डेट के लिए यही लोग हमारे विश्वकर्मा भगवान हैं, और इनको ही मान करके आज काम का छुट्टी रहता है। अक्सर लोग साइड पे काम करते नहीं हैं, तो देख लीजिए पूरा वीडियो को बिना स्किप किए हुए। आगे और भी इन्होंने बहुत आरती किया है, फिर नारियल फोड़ने का कार्यक्रम हुआ है, प्रसाद वितरण हुआ है, और उसके बाद इन्होंने अपने जो सामान होते हैं, इनके काम करने वाले औजार होते हैं, टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीनरी होते हैं, वो सबका पूजा पाठ किए हैं। तो आगे तक देख लीजिए, वीडियो में दिखाया हूँ कैसे हुआ है पूजा। बिल्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में मैं पहले बता रहा था। बिल्डिंग स्ट्रक्चर में जो काम होता है ज़्यादातर ऊपर हाई राइज बिल्डिंग का काम में मशीनरी, टावर, क्रेन, लिफ्ट वगैरह से होता है, लेकिन बिना आदमी के पॉसिबल है नहीं। आदमी लोग ही ऊपर तक स्टील फिक्सिंग का काम हो गया, शटरिंग का काम हो गया, या कंक्रीटिंग का काम हो गया, उसको प्लेसमेंट और लास्ट रूप देने में आदमी लोग का जरूर ज़रूरत पड़ता है। और सिविल कंस्ट्रक्शन से वीडियो में रिलेटेड डालते रहता हूँ, तो उसमें सारा इन्फॉर्मेशन पास आउट करता हूँ, और उसमें पता चलता है कि कितना आदमी का ज़रूरत पड़ता है और कितना मशीनरी से काम होता है। आदमी किस टाइम में ज़रूरत पड़ता है और मशीनरी किस टाइम में ज़रूरत पड़ता है, जब ह्यूज क्वांटिटी में काम होता है, बड़े पैमाने पे काम होता है, तो मशीनरी ऑब्वियसली लगाया जाता है, लेकिन उसमें भी ऑपरेटर तो चलाने वाले आदमी ही होते हैं। मशीन कोई भी हो, उसको चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए तो आदमी की ज़रूरत पड़ती ही है। आरती का कार्यक्रम संपन्न हो गया है, अब नारियल फोड़ने का कार्यक्रम चालू होने जा रहा है। तो उसके लिए जो जो इच्छुक हैं या जिनको बुलाया जा रहा है, जिनको मेन समझ रहे हैं लोग कि ये नारियल फोड़ने के काबिलियत रखते हैं, मतलब ये योगदान है इनका काम में, उन उनको बुलाया जा रहा है। जिनका योगदान ज़्यादा होता है उनको स्पेशली बुला करके नारियल फोड़ने का कार्यक्रम करवाते हैं लोग। ये ऐसे ही मनाते आते हैं हर साल, हर साल की तरह 17 सितंबर को मनाया जाता है। इसका कोई हिंदी तिथि के अनुसार नहीं है, इस कार्यक्रम को 17 सितंबर को ही मनाया जाता है, या 17 सितंबर 2022 को मनाया जा रहा है। दोस्तों, मैं सिविल कंस्ट्रक्शन के हर पहलुओं को छूने का
प्रयास कर रहा हूँ, मैकेनिकल का, फायर फाइटिंग का, रोड कंस्ट्रक्शन का, हर पहलुओं से रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूँ। और आप लोग चैनल को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। ये कुछ फ़ोटो डाल दिया हूँ लास्ट में, जो औजार का पूजा हुआ था, और ये पूजा के बाद सब कुछ फोटोग्राफी, भगवान का फ़ोटो ले लिया था, विश्वकर्मा भगवान का प्रसाद वितरण भी हो गया था, और काफ़ी खुश थे वर्कर लोग। एक खास दिन था इन लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह का वीडियो मैं डालते रहूँगा।